मॉर्निंग हैबिट्स फॉर सक्सेस। वैसे सफल होने के लिए लोग तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि आप सक्सेसफुल लोगों की अच्छी आदतें जान लो, और वैसे आदतें अगर आप अपने लिए बना ली तो आप भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेसफुल लोग सुबह उठकर क्या करते थे। वैसे सुबह उठते ही हमारा दिमाग तरह तरह की बातें सोचना शुरू कर देता, जैसे कि आज मैं लेट हो गया हूँ, आज मेरे ऑफिस जाने की इच्छा नहीं है, आज का काम मैं कैसे ख़त्म कर पाऊँगा। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में सुबह में चलती रहती है। हर सुबह हमारे दिमाग को शांत होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज हम ये जानते हैं कि सुबह उठकर हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हो, और अगर आप सारी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। तो पहली आदत है सुबह शांत रहना। दिमाग को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कहीं शांत और अच्छी जगह पर बैठकर अपनी सांस पर फोकस करें। किसी भी तरह आपको अपने आप को मॉर्निंग में शांत रखना है और अपनी सुबह की शुरुआत को चिंताओं से नहीं भरना है। अगर आप सुबह सुबह बुरे विचारों को अपने दिमाग में हावी होने दोगे तो आपका पूरा दिन बिगड़ सकता है। अगर आप अपने दिमाग को किसी भी तरह सुबह में शांत कर देते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है। दूसरी आदत है अफर्मेशन। अफर्मेशन आपको सुबह में पूरी तरह से पॉजिटिव कर देता है। सुबह आप खुद से ये बोल सकते हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे पास ज़िंदगी में बहुत कुछ है, मेरी ज़िंदगी में थोड़े दुख है लेकिन मैं उनसे लड़ने की हिम्मत रखता हूँ, मेरे पास अच्छे रिश्तेदार हैं जो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते, मेरे पास अच्छी बॉडी है, कई लोग के पास हाथ तक नहीं है, पैर तक नहीं है, मुझे सुबह का नाश्ता नसीब होगा जो बहुत लोगों को नहीं होता है, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है और मैं इसे और अच्छी बनाने के लिए उठा हूँ। ठीक इसी तरह आप अपनी लाइफ के हिसाब से अफर्मेशन खुद से भी बोल सकते हैं। आप अपनी तरह से अपना बेस्ट लाइन ऐड कर सकते हो, बस वो लाइन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब आप यह बोलते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे होते हैं कि आप ये हो। और अगर आप सुबह अपने आप से ये कहते हैं कि मैं खुश इंसान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहा हूँ, तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और फिर आपके फैसले उसी के अनुसार चलते हैं। इसी के साथ ही आप कुछ और अफर्मेशन भी बोलते हैं, जैसे कि मैं बहुत अच्छा बोलने वाला इंसान हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। तो इसकी कल्पना करें, अपने दिमाग में सोचें कि कैसा लगेगा जब आप अच्छा बोलोगे, कैसा माहौल होगा। फिर जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं कि आप उसे करोगे तो कैसा लगेगा, धीरे धीरे आप उसे अपने ज़िंदगी में भी करने लग जाते हो और इसी से आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए लग जाते हो। कुछ लोगों के लिए ये सारी बातें मजाक होती है, लेकिन जो लोग इसे कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तीसरी आदत, सुबह एक्सरसाइज करना। वैसे ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और छोटी सी चीज़ है, लेकिन लोग इसे भी नहीं करते। दिमाग का इतना काम करने के बाद आता है सीरियस मतलब शरीर का काम करना है। वैसे मैं आपसे सुबह में जिम करने की या भारी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको हल्की सी छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है, और ऐसे एप्लीकेशन को बहुत मिल जाएंगे जो आपको आरामदायक लगे। ये फिर हेडफोन लगाकर आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, अगर आपको दौड़ना पसंद है तो आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी एक्सरसाइज ही आपको एकदम फुर्तीला बना देगी और आपको काम करने में और भी मज़ा आएगा। चौथी आदत, सुबह पढ़ने की आदत।
वैसे आजकल की जनरेशन को ये सारी आदतें बेकार सी लगने लगी है, क्योंकि उन लोगों को सुबह सुबह एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, सुबह सुबह पढ़ना पसंद नहीं, सुबह सुबह अफर्मेशन करना पसंद नहीं, सुबह सुबह अपना टू डू लिस्ट बनाना पसंद नहीं। लेकिन सुबह पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है। वैसे आप मॉर्निंग वॉक करके घर पर आओगे तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। इंटरनेट पर किसी भी सफल इंसान के बारे में आप पढ़ सकते हो। अगर आप दिन में एक ही सफल इंसान की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी में 365 दिनों के अंदर 365 लोगों की ज़िंदगी के बारे में जान पाओगे। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी भी एक किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ना है, जिससे आप पूरे दिन में एक एक नई चीज़ करना ज़रूर सीखोगे। इंटरनेट पे आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी पॉजिटिव किताबें मिल जाएगी, बहुत सारी पॉजिटिव ब्लॉग्स मिल जाएगी। आप मोटिवेशन पर जाकर बहुत सारी मोटिवेशनल बायोग्राफीज, इंस्पिरेशनल कोट्स, सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज और बहुत सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सुनना पसंद है तो आप किसी मोटिवेशनल चैनल को भी सुन सकते हैं, जिससे आप कुछ ऐसी बातें सीखोगे जो आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होगी। वैसे भी आपको इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, बस 10 मिनट आपको किताबों को या ऑनलाइन मोटिवेशन को लेकर पढ़ना है। पांचवी आदत, सुबह अपने विचार को लिखना। जैसे कि मैंने पहले बोला कि लोग टू डू लिस्ट बनाने का मतलब ही नहीं समझते। आपका पढ़ने का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप अपने कुछ विचार जरूर लिखो। आपको क्या करना है और कब तक करना है, आपको क्या क्या गोल्स है, वो सारी चीज़ें सुबह सुबह लिखिए। इस तरह से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। आपको पता होता है कि आप कहाँ है और कहाँ तक पहुँचना है। आपको हर बार पता चलता रहेगा कि आप कितना आगे बढ़े। आप हर रोज़ अपने दिन का डेटा बना सकते हैं और उससे आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। बस आपको लिखना है कि आपको आज क्या करना है, आपने कल क्या किया था, आपने कल से आज कितना ज़्यादा या फिर कितना कम अचीव किया। तो उसी से आप आज के दिन की शुरुआत करोगे तो आप और ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके आधे से एक घंटे में ही लेंगी। जैसा कि आप सुबह उठे और आपको 10 से 15 मिनट शांत बैठे रहना है, उसके बाद आप मन में अफर्मेशन बोलने की आदत डालिए, मैं खुश हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अफर्मेशन बोलने के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। आप वॉक पर जाना है तो वॉक पर जा सकते हैं, और फिर आपको घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर लेनी। जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए 10 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना, आप गूगल पर मोटिवेशन सर्च करना करके कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और लास्ट में आपको पूरे दिन को प्लानिंग बनाना, आपके डेटा को संभालना, ये सुबह की 5 अच्छी आदतें आपको सुबह उठकर आपको 8 बजे से पहले ख़त्म कर लेनी होगी। आप ये सुबह की 5 अच्छी आदतें अपना कर आप भी अपनी ज़िंदगी में जो चाहो वो मुकाम हासिल कर सकते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो आपको इन 5 आदतों को अपनी सुबह की ज़िंदगी में अपनाना होगा। मुझे यकीन है आपकी आने वाली हर सुबह आपकी बहुत ही अच्छी सुबह होगी और आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी सपने देखे हैं वो पूरे कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके सपनों के लिए। और मोटिवेशंस इसी तरह से मेरे चैनल पे पढ़ते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू ऑल।